Dear students, welcome to GATE Academy. What if you come across a new question in these last days of your GATE preparation? So, जैसा कि काफी कम दिन बचे हैं GATE exam में और आपको एक नया question मिल जाता है, तो ये कभी-कभी demotivation का काम करता है, एक demotivating factor बन जाता है। तो आप देखिए कि इसको आप कैसे handle करेंगे। तो देखिए, चाहे वो नया question हो या वो नया concept हो, अगर वो question एक solution के साथ आपको मिलता है, तो ठीक है, it's okay, आप एक बार try कीजिए, उसको समझने का समझ में आता है, तो well and good, you take it। अगर आपको solution के साथ नहीं मिलता है या आपको solution उसको समझ में नहीं आता है, तो आप उसको बिल्कुल कर दीजिए, उस पर पैनिक होने की नीड उसके कारण नहीं है। आप ऑलरेडी बहुत सारा सब्जेक्ट कर चुके होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपने जितना पढ़ा है, अगर आपको सब कुछ याद रहा और उस बेस पे आप सारे क्वेश्चंस गेट एग्जाम में बना पाए जो आपके आएंगे, तो उतना ही आपके एज अ फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छी बात होगी। तो हम ऐसा कभी ना करें कि कुछ नया क्वेश्चन या नए कॉन्सेप्ट के कारण एक पैनिक क्रिएट हो आपके माइंड में, आप उसे डिमोटिवेट हो, जिससे कि ऑलरेडी जो आपको आता है वो हैम्पर हो। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है इन लास्ट डेज ऑफ प्रिपरेशन में। अब कुछ भी डिमोटिवेटिंग चीजें अपने आसपास मत आने दीजिए। बहुत बार ऐसा होगा, और ये नॉर्मल इसलिए है क्योंकि आप टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट आप देंगे तो कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट आपको टकराएगा। अगर समझ जाता है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, अगर समझ भी नहीं आता है तो उसको आप लीव कीजिए, आगे बढ़िए। तो बस ये चीज पे ध्यान रखिए, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपको आता है वो मिस आउट ना हो, अगर वो गेट, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आता है या कुछ क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते हैं, वैसे ही कुछ अगर गेट एग्जाम में आता है तो वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इस चीज पे पहला फोकस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।